सभी को सलाम भाई। कुवैत के दो तीन खबरें लेके आया हूँ जिसमें जो प्रोजेक्ट वीज़ा ख़त्म होने पे बाद में वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर प्रोजेक्ट वीज़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने से पहले ही भी वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर जो किसी के पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, बांग्लादेश का ड्राइविंग लाइसेंस है, पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है और वो उस लाइसेंस से कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो क्या बन सकता है कि नहीं, इसके बारे में न्यूज़ है। तो बने रहेगा न्यूज़ पे और न्यूज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कुवैत में बहुत से लोग, काफ़ी प्रोजेक्ट है ऐसे कुवैत के अंदर जिसमें प्रोजेक्ट वीज़ा के ऊपर आते हैं, लाए जाते हैं, जिसमें जो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता है उससे पहले बहुत से लोग छोड़ना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, क्योंकि उनको आगे एक अच्छी डील मिलती है और अच्छी जॉब मिलती है जिसमें सैलरी भी उनको ज़्यादा मिलती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उनको वापस जाना पड़ता है, कुवैत में नहीं रह सकते या फिर जो दूसरा स्पॉन्सर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। लेकिन कुवैत का कानून ये कहता है कि जो आपका स्पॉन्सर है, आपका प्रोजेक्ट वीज़ा निकाला है, वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद में जो उसका दूसरा प्रोजेक्ट होता है वो वीज़ा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, फिर वहाँ से आपका वापस काम शुरू हो सकता है वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक, यानी कि उसी स्पॉन्सर का दूसरा प्रोजेक्ट। लेकिन जैसे ही आप जिस प्रोजेक्ट पे गए हैं वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद यदि जो आपका स्पॉन्सर जिसने सबसे पहले वीज़ा निकाला है वो स्पॉन्सर अगर ये चाहता है कि आप अपनी इच्छा से वो आपको छोड़ने के लिए कहता है, तनोजल देता है, तो आप दूसरे प्रोजेक्ट में दूसरे स्पॉन्सर से अपना एकमा लगा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन बहुत से मामलों में ये लोगों का काम नहीं होता है क्योंकि जो इनके स्पॉन्सर होते हैं वो मना कर देते हैं, या फिर जो आपकी बात आगे जो मेन स्पॉन्सर होता है कोई बड़ी कंपनी होती है उसमें आपकी आगे बात जाती ही नहीं और आपको वापस लौटना पड़ता है वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, या फिर आप कहीं भाग के इलीगल तरीके से काम करते हैं, वो एक अलग बात है, जब आप पकड़े जाते हैं तो आपको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद में अगर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसी कंपनियों के अंदर जब आपको प्रोजेक्ट छोड़ना होता है उससे 3 महीने पहले एप्लीकेशन देनी होती है, और बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है कि जो लोग कंपनियों में काम करते हैं वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरी जगह पे, तो उनका 3 साल पूरे होने पर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बीच में 1 साल 2 साल के बाद भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपका स्पॉन्सर इसमें राज़ी है, इसमें मना नहीं करता है आपको, तो आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो लोग कंपनियों में वर्क वीज़ा पर काम करते हैं जिसे वीज़ा 18 बोला जाता है, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है लेकिन ट्रांसफ़र हो जाता है। बाकी जो नए जाते हैं उसमें मिनिमम 3 साल का टाइम तो रहना ही होता है उसी कंपनी के अंदर। फिलहाल कुवैत में वीज़ा ट्रांसफ़र करने का काम जारी है, अभी बंद नहीं हुआ है। जो नया वीज़ा है वो नहीं निकल रहा है, जैसे कि वर्क वीज़ा है, डोमेस्टिक वीज़ा है, सभी नए वीज़ा निकलना अभी बंद है, फर्दर नोटिस आने तक अभी बंद रहेंगे। लेकिन जो वीज़ा ट्रांसफ़र का काम वो अलातुल शुरू है। ज़रूर सब्सक्राइब करें, कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके काम की आ सकती है तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा। न्यूज़ में आप ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानेंगे, जो किसी भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है उससे कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता है, या फिर और भी बहुत सी खबरें आएंगी आपके काम की कुवैत में, वीज़ा 18 को लेकर, वीज़ा 20 को लेकर, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिपेंडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा को लेकर कब शुरू होगा इसकी भी खबर आएगी बाद में, जब कोई ऐलान नोटिस जारी किया जाएगा तब।